जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आगामी तारीख से भारतीय रेलवे के बहुत से महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं, साथ ही नई सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले, हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगामी 1 जुलाई से ये रेलवे के महत्वपूर्ण नियम बदल जाएंगे और नई सुविधाओं का विस्तार होगा। देखिए, पहला वेटिंग लिस्ट का इंतजार खत्म होगा। रेलवे द्वारा चलाए जाने वाली सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। दूसरा, 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर 50% राशि वापस की जाएगी। तीसरा, 1 जुलाई से तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव किया जाएगा। एसी कोच के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, जबकि स्लीपर कोच की बुकिंग सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक की जाएगी। चौथा, 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकट की सुविधा शुरू की जाएगी। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर टिकट नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके मोबाइल पर टिकट भेज दिया जाएगा। पांचवा, जल्द ही अलग अलग भाषाओं में रेलवे टिकटिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। अभी तक रेलवे में हिंदी और अंग्रेजी में टिकट मिलते थे, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग अलग भाषाओं में टिकट बुकिंग की जा सकेगी। छठवां, रेलवे में टिकट के लिए हमेशा मारामारी मची रहती है, ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। सातवां, एक वैकल्पिक ट्रेन संयोजन प्रणाली, सुविधा ट्रेन और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है, ताकि व्यस्त समय के दौरान बेहतर ट्रेन सुविधा प्रदान की जा सके। आठवां, रेल मंत्रालय 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तर्ज पर सुविधाएं ट्रेन चलाएगा। नौवां, रेलवे 1 जुलाई से प्रीमियम ट्रेनों को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। दसवां, सुविधा ट्रेनों में टिकट रिफंड करने पर 50% किराया वापस किया जाएगा। इसके साथ ही 2 AC पर 100 रुपए, 3 AC पर 90 रुपए, स्लीपर पर 60 रुपए प्रति यात्री की कटौती की जाएगी। वहीं आपको 139 पर कॉल करके अपने PNR पर वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा को सक्रिय करना होगा। रेलवे ने रात में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंचने से पहले वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट की सुविधा शुरू की है। सुविधा के सक्रिय होने पर गंतव्य स्टेशन आने से पहले मोबाइल पर अलर्ट बजेगा। सुविधा को सक्रिय करने के लिए अलर्ट टैप करने के बाद PNR नंबर टैप करना होगा और 139 पर भेजना होगा। उसके बाद 139 पर कॉल करनी है और कॉल करने के बाद भाषा चुने, 7 डायल करने के बाद PNR नंबर डायल करना होगा। इसके बाद यह सेवा सक्रिय हो जाएगी। इस फीचर को वेकअप कॉल का नाम दिया गया है। मोबाइल की घंटी रिसीव होने तक बजेगी। इस सर्विस को एक्टिवेट करने पर स्टेशन आने से पहले मोबाइल की घंटी बजेगी। यह घंटी तब तक बजती रहेगी जब तक आप अपना फोन रिसीव नहीं कर लेते। फोन मिलने पर यात्री को सूचित कर दिया जाएगा कि स्टेशन आने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार रेलवे अपने 1 जुलाई से महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रही है और सुविधाओं में विस्तार करने जा रही है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किस नए वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही, हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।